Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं Contraband Police. तो इस गेम में मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरी ड्यूटी लगी है एक बॉर्डर पे, जहाँ पे मुझे लोगों की आईडी चेक करनी है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं, और साथ ही मुझे उनकी गाड़ियां भी चेक करनी है कि कहीं वो कोई आइटम स्मगल तो नहीं कर रहे. मतलब होता है कि यहाँ लोग कोकेन, टोबैको, गन्स, ऐसे वैसे इलीगल आइटम भी ले जाते हैं बेचने के लिए, तो हमें उनको पकड़ कर जेल में भी डालना है. तो गेम काफी इंटरेस्टिंग है, मैंने पहले भी खेला हुआ है, बट वो डेमो वर्जन था. ये है फुल वर्जन, लेट्स गो, चलते हैं गेम में. ऑलराइट गाइस, वेलकम टू कॉन्ट्राबैंड पुलिस. तो इस टाइम पर हम लोग हैं अखरस्तान में. हाँ, ये मेरे को नहीं पता कौन सी जगह, बट यहाँ पर भाई डियर भी घूम रहे हैं, तो गाड़ी के आगे आ जाता है और मैं इस पुलिस ऑफिसर के साथ जा रहा हूँ जो कि मेरे को लेकर जा रहे हैं जहाँ पर आज अपनी ड्यूटी है. बट एक कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा भाई. तू गाड़ी चला के मेरे को पहुंचा. ये क्या है? यहाँ पर किसी की गाड़ी ठुकी हुई है. ठीक है भाई, मौसम मस्त हो रहा है, मजा आने वाला काम करने में. बाकी यहाँ पर उसने मस्त डोल रखी है, यूं हिल रही अपना मस्त. भाई तू क्या बोल रहा है, मैं कुछ नहीं समझ आ रहा है. ये तू रेडियो का वॉल्यूम फुल कर, मैं गाने सुन लेता हूँ. ओ लेट्स गो, ज्यादा बातें नहीं करनी. हम लोग अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग पे, और आज यहीं पर अपनी ड्यूटी है. समझ आ गया, चल उतरू कहां से मैं. लेट्स गो, दरवाजा खोला, मैं आ गया हूँ बाहर. ये करा बंद, चुप रहने का यहाँ से. तनी क्या बोल रहा था. ठीक है गाइस, तो ये है वो ब्यूटीफुल जगह जहाँ आज हमें अपनी ड्यूटी करनी है, और इधर काफी सारे लोग भी हैं. ये एक अंकल है जो कि सुबह सिगरेट थी. हट गंदा आदमी. अब मेरे को अंदर कहाँ से जाना है? ये है क्या दरवाजा? यस, मैं जा सकता हूँ यहाँ से. और इधर क्या हॉरर अनाउंसमेंट है. अच्छा, मैं नीचे सबटाइटल रीड कर सकता हूँ. वेलकम टू अकारिस्तान बॉर्डर पोस्ट. मेरे को अभी कमिश्नर के पास जाना है ना. हेलो, आप होगा कमिश्नर? नहीं नहीं, तो कांस्टेबल. ओ वेट, इधर है वो बूथ, इसके अंदर शायद से कमिश्नर होगा. यहाँ पर चल के हम बात करते. अच्छा, ड्यूटी फोल्डर है ये मेरा. नाउ ओपन द फोल्डर एंड चेक योर ड्यूटी हैंडबुक. ये रहा अपना फोल्डर, बॉर्डर कंट्रोल. मैंने पहले खेलिया बट मैं भूल गया यार थोड़ा बहुत. तो देखो गाइस, अभी सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ से जो लोग भी जाएंगे उनकी हमें क्या क्या चेकिंग करनी है वो इसमें लिखा है. तो नेम एंड सरनेम हमें चेक करना है कि उनका जो नेम सरनेम है वो उनकी पासपोर्ट और वीजा से मैच होना चाहिए. और हमें उसकी डेट भी चेक करनी है एक्सपायरेशन की, तभी हमें उन्हें आगे भेजना है. नेक्स्ट, पासपोर्ट नंबर हमें कन्फर्म करना है. फोटो ढंग से देखनी है. द कारिस्तान पीपल्स रिपब्लिक इज अ कंट्री फेमस फॉर इट्स रिच मिनरल डिपॉजिट्स. एंड ये है यहाँ का फ्लैग जिससे मेरे को पता चल पाएगा बंदा कहाँ के रहने वाला है. और ये है रिपब्लिक ऑफ कागस्तान. अबे भाई, ये तो बहुत बड़ी बुक है यार, एक सेकेंड. तो बेसिकली इसमें सारी डिटेल्स लिखी है जिससे मैं अपनी ड्यूटी करने वाला हूँ. चले चल, इतना आता है सब मेरे को. मैं जा रहा हूँ अपनी ड्यूटी करने. ड्रेस पहननी है क्या? मैंने शायद ड्रेस तो पहनी हुई होगी. चलो बंद करो उस दरवाजे को, और अभी फटाफट से हम लोग चलते हैं यहाँ पर. और गाड़ियां गाइस सुबह सुबह लाइन से आकर लग चुकी है भाई. ये देखो, हेलो सर, आप सो क्या भी उठेगा? तो ये देखो भाई, यहाँ पर मस्त अपना 3-4 गाड़ियां आ गई है. अब फटाफट से लीवर डाउन करते हैं, आई मीन इसको उठाते हैं बैरिकेड को, और इन लोग को यहाँ पर बुलाते हैं. चल भाई, एक बार उठाया और एक गाड़ी तेज चला यार. ये ख्याल है कि घुमरा का चाड़ा. लैम्बोर्गिनी चलाओ यार. ठीक है भाई, पहला बंदा अपना आ चुका है और मेरे को उसकी. ओ वेट भाई, क्या तरीके से विंडो खुली है भाई. नाइस, चुप तो हो जाओ, मैं काम तो करने. तो कुछ समझ नहीं आ रहा. आस्क हिम टू शो द पेपर्स. पेपर दिखाओ सर. कैन आई हैव योर डॉक्यूमेंट्स? वो कितनी अकड़ में दे रहा है बेटा, रिजेक्ट कर दूंगा. फर्स्ट डॉक्यूमेंट हमें मिल चुका है एंड मुझे इसे ओपन करना है. ठीक है, तो ये है सिटीजन आईडी और ये है इसका पासपोर्ट. तो ये चुप तो है अनाउंसमेंट वाला यार, दो मिनट. देखो भाई, आज की डेट है 1981 16 अप्रैल. तो सबसे पहले हम लोग इसका नेम चेक करते हैं. इसका नेम है BAZYL, जो कि मैच हो रहा है, जो कि करेक्ट है. एंड सरनेम भी इसका करेक्ट है, वॉल्कॉफ. ठीक है, पासपोर्ट नंबर MXOC1862 करेक्ट है. वैलिड है इसका वीजा 4 जून 1981 तक. तो आज है 16 अप्रैल, तो ठीक है, ये यानी ये जा सकता है ना. इंस्पेक्शन रिपोर्ट में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं. ओके, डन है नेम, पासपोर्ट नंबर भी एकदम डन है, मैच वैलिड है डेट से, मैच सही है. आई थिंक इसके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं. तो हम लोग इसे, अरे सॉरी गलती से खोल दिया. इससे बात करते हैं हम लोग, और मैं इसको बता देता हूँ कि अप्रूव है, ये जा सकता है. जाओ सर, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है. बदतमीजी, ये कैसे कर रहा है, या फिर इसका स्टाइल यही है, बड़ा अकड़ के बात कर रहा था यार. ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग दोबारा से बुलाते हैं. भाई दो गाड़ियां हो रहा है अभी, आज का बस तीन ही लोग. यार कोई ऐसा बंदा तो आओ जो से उल्टा सीधा सामान लेकर जा रहा है, उसको पकड़ के मारेंगे. ओ वेट भाई, इसने स्पॉइलर लगा रखा है अपनी इस पे 800 पे. आ जाओ सर,
डॉक्यूमेंट तो बहस नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है भाई इसके डॉक्यूमेंट में पक्का कोई ना कोई गड़बड़ होगी। नेम इसका आई थिंक करेक्ट है तो उसमें कोई इशू नहीं है। पासपोर्ट नंबर इसका ये भी करेक्ट है, वैलिड है 8 जून, ठीक है वैलिड भी ठीक है। एंट्री रीजन है इसका वर्क, जा यार तू भी क्या दर है, सही है कोई दिक्कत नहीं। कुछ गलत बंदे तो आओ यार, ऐसे तो मजा ही नहीं आ रहा हर बार अप्रूव करने में। नेक्स्ट जल्दी आ जाओ भाई। मैं सोच रहा था कि दो ही गाड़ियां हैं बट अभी पीछे एक और आ चुकी है। इनफैक्ट एक सेकेंड, द ड्राइवर शुड बी रिटर्न। मेरे $100 माइनस हुए पता नहीं क्यों, उसका वापस आने का कोई सीन नहीं था क्या भाई? रुक जाओ मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े नहीं थे बट ठीक है अभी चेकिंग करते हैं हम लोग। कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स शो करो भाई। तो इसका नेम करेक्ट है भाई, देखो नेम वेम नहीं देखना और रीजन वीजन भी सब कुछ चेक करने हैं हमें। पासपोर्ट नंबर इसका करेक्ट है और ये वैलिड है इसका मैच। एंट्री रीजन विजिट, इसकी फोटो शक्ल दिखा भाई, शक्ल दिखा, ठीक है परफेक्ट एकदम। फोटो चेक करते हैं इसमें, बढ़िया शक्ल तो मैच हो रही है, यानी इसके पास भी सारे डॉक्यूमेंट्स है तो यानी मैं इसे जाने दे सकता हूँ ना। जा यार कोई नहीं, मेरा डे वन है, एक आध गलती हो जाती है थोड़े पैसे कट जाएंगे बाद में मैं कमा लूंगा। जा तू भी क्या करके जा अब। अच्छा सॉरी अप्रूव नहीं करा क्या? स्टैंप ही नहीं लगाई थी भाई, ये ले जा, खुश हो गया भाई, ये तो मस्त एकदम। वेलकम टू ओकारिस्तान। $100 मिल गए भाई इस बार कोई गड़बड़ नहीं थी। एक सेकंड, नेक्स्ट बंदा बुलाते हैं और शायद से आज का ये लास्ट बंदा है। और उस पहाड़ों पे का मस्त बर्फ पड़ी हुई यार, जल्दी लाया ना पहाड़ों में घूमने जाने का मन है। लेट्स गो। दरवाजा, अरे सॉरी दरवाजा, चल कोई नहीं, दरवाजा ओपन कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। इसके डॉक्यूमेंट्स लिए और इसके डॉक्यूमेंट में इसका नाम है, ओ भाई आ गया पहला गलत बंदा जो कि ये देखो इसका मिसमैच है। यस ये रिजेक्ट तो होने ही वाला है। पासपोर्ट नंबर ठीक है भाई। एंट्री रीजन टूरिज्म है भाई तू, नहीं रुक जा मैं पहले ना इंस्पेक्शन रिपोर्ट में डालता हूँ, इसका नेम सरनेम गलत है। एक्सपायरेशन डेट भी चेक कर लेते हैं एक बारी, मैच हो रही है ठीक है। तो उसके पास बाकी सब है, फोटो दिखाइए जरा, शक्ल दिखा कि शक्ल यार मेरे को पता नहीं क्यों। वेट, या तो इसने दाढ़ी कटवा ली है। तू बाहर आएगा भाई? इसको बाहर कैसे बुलाऊं मैं? यार मैं इसको ना बाहर नहीं बुला पा रहा, बट एक बार ना ध्यान से देखो, ये देखो उसकी शक्ल देखो और इसमें देखो यार, मैच हो रहा है बट इसने कहीं ऐसा ना हो दाढ़ी कटवा, मैं तो मैं मिसमैच करूंगा भाई, इसकी फोटो गलत है। चल भाई तू अकारिस्तान नहीं जा रहा है, निकल यहाँ से वापस, दिमाग के देख। चल अब मेरे पास पैसे ना कट जाए, अगर इसकी फोटो दाढ़ी के चक्कर से मिसमैच हुई तो मेरे पैसे कटने वाले हैं, बट ठीक है बेचारा वापस चला गया, नहीं जा पाया तू, बाय बाय। दाढ़ी बनवा कर आई हो वापस, ठीक है भाई आज के लिए हमने कर दिया बस। मैं कोई देखो, यस पैसे नहीं कटे भाई। ओह भाई लेट्स गो, डे वन कंप्लीट हो चुका है और अभी हमें ना यहीं पर रहना है, तो ये इन्होंने हमें बस दे रखी है सोने के लिए। ठीक है भाई, हेलो ऐसे ऑफिसर को थोड़ी ढंग की चीज तो दो यार, ऐसे सोफा लगा दिया यहीं पर, बर्तन धोने का भी लगा दिया, यहाँ अलमारी लगा दिया, कपड़े वपड़े रख लो इधर बैठ के अपना खाना वाना खा लो। सही है भाई यहीं सो भी जाते हैं हम लोग। डन भाई, 8 घंटे की नींद मार ली हमने फटाफट से, और शायद से अब हमें रात की ड्यूटी करनी है। आज के दिन हमने नुकसान बहुत करवाया। करेक्ट चेक से हमने $280 कमाए हैं और इनकरेक्ट चेक अपना $100 माइनस। प्रॉपर्टी मेंटेनेंस -60, अच्छा ये तो मेंटेनेंस का है ना, और पर्सनल सैलरीज ये ठीक है, मतलब हमने बस एक ही इनकरेक्ट चेक करा जिसकी वजह से $100 माइनस हुए, बाकी सेविंग्स $45। अमीर बनेंगे धीरे धीरे, टेंशन मत लो, आज का डे बढ़िया निकालते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग और भाई क्या वेदर है यार इस जगह का, इतनी प्यारी जगह, चारों तरफ पहाड़ है। यार तू अनाउंसमेंट का बटन गाए, इसको बंद करो यार अनाउंसमेंट, यार दिमाग खराब हो गया, तार काट दूंगा, पता नहीं क्या बोलते रहता है। फिलहाल आज तो कोई भी गाड़ी नहीं आई है। गाइस ये अनाउंसमेंट सुनना इंपॉर्टेंट है। ये देखो बोर्ड पे एक आर्टिकल आया है जिसमें मतलब इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि कोई स्मगलर है 54 एज का, जो कि कोई तो कॉन्ट्राबैंड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मतलब आज हैं 2-3 लोग जिनके हो सकता है कि वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो आज हमें यानी गाड़ियां भी चेक करनी है लोगों की। लेट्स गो, पहला दरवाजा खोलते हैं और मैं गाड़ियां एकदम मस्त चेक करने वाला हूँ सबकी, बस मेरे को ये देखना है कि मैं उन्हें बाहर निकाल सकता हूँ या फिर नहीं, कि अगर वो बॉडी में लेके जा रहा हो तो कैसे पता चलेगा। लुक्स लाइक वी हैव आवर सस्पेक्ट हियर, मेक हिम लीव द व्हीकल टू सर्च द कैबिन। आजा भाई आजा बाहर आजा, ये 54 एज का लग रहा है वैसे सर, फटाफट से गाड़ी से बाहर आ जाओ, डंडे पड़ जाएंगे वरना। ठीक है एक सेकेंड, ये खोली गाड़ी, इधर तो कुछ भी नहीं है, पीछे वाला भी कुछ नहीं है। वे क्या बोल रहे हो भाई, अपनी भाषा में गाली तो नहीं दे रहा तू, पता भी नहीं चलेगा मेरे को तो। नहीं यार ये नहीं लग रहा मेरे को, इसमें तो कुछ है ही नहीं। एक सेकंड रुक जा, इधर जेब चेक करा। इससे पहले इसके डॉक्यूमेंट चेक करा, इसकी एज चेक करते हैं ना यार, पहले मैंने इसे पकड़ लिया, अगर 54 ईयर का हुआ तो उसको पीटेंगे। ओ मेरे पास टॉर्च भी है, मैं टॉर्च जला के भी चेक कर सकता हूँ, इससे मेरे को थोड़ा डिटेल में ना आर पार का पता चलेगा। फिर भी ओ ये देखो सांप ले जा रहा है, ये बदतमीज। तो ये है कुछ इंडिकेशन, जैसे टायर में हो सकता है, हेडलाइनर, फ्यूल टैंक, फेंडर, बम्पर, एयर फिल्टर। कहाँ कहाँ की चेकिंग करनी है भाई,
हाँ मतलब स्मगलर ऐसे नॉर्मली तो ले नहीं जाएगा, बट ठीक है मेरे को कुछ तो मिला है यहाँ पे भाई। नाउ वी आर गोइंग टू नीड टूल्स टू गेट द कॉन्ट्रैबैंड। पिक अप दिस नाइफ फ्रॉम द टेबल। ठीक है ये रहा नाइफ, और अभी मुझे इसकी सीट की गद्दी काटनी है। रुक जाओ टॉर्च बंद कर लो बेटा, ये पिटा तू अब तेरी बहस की। इधर आइयो ये ले, बदतमीज आदमी सांप ले जाता है। काटो से काटो काट काट कट गया ना। ओ मिल गया भाई, अच्छा सांप नहीं है वो कॉन्ट्रैबैंड का लोगो है, सॉरी। तो हमें ड्रग्स मिले हैं यहाँ से। हाँ बेटे पकड़ा गया, चक्कू घोप दूंगा। और चेकिंग करता हूँ भाई, अभी और भी हो सकते हैं ना। यहाँ पे पंपर में तो नहीं है इसकी बैटरी। अच्छा ये भी है क्या? ओ भाई छुपा रखा है। अरे यार ये तो डेंजरस बंदा निकला। बम्पर चेक करूंगा। ठीक है तो अभी अपना काम हो चुका है, बस मेरे को इसे अरेस्ट करना है। ये चक्कू ले लो मेरे से कोई, वरना मैं मार दूंगा इसको गलती से। इसको मेरे को घेरा। चलो भाई आज अपना पहला टारगेट पकड़ा गया, मजा आ गया भाई। ले चलो इसे कस्टडी रूम है भाई, यहाँ पर इसे लाकर बैठा दिया क्या? अबे बंद तो करो, मेरे को मारेगा उल्टा। क्रिमिनल अरेस्टेड। अभी हमें कहाँ चलना है? इधर क्या है? ओह ये क्या है? This is where you can store your tools, weapons, recovered contraband. Okay, okay, okay. तो जितना भी हमें सामान मिलेगा वो हमें अपने ले जाकर खुद नहीं बेचना है, यहाँ पे लाके रखना है स्टोरेज में। ये सारा का सारा सबमिट होगा भाई बाद में। बाकी टूल मेरे पास रहने दो यार, एक चीज होनी चाहिए कल को लड़ाई वड़ाई हो जाए। अच्छा चक्कू निकाल दूंगा मैं फटाफट से। ठीक है भाई अपना काम हो चुका है। एंड ये इसको गाड़ी हटवाने के लिए बोलना है क्या? सर आप इंस्पेक्शन जोन क्लियर कर दो। ठीक है फटाफट से गाड़ी वाड़ी हटाओ, बाकी काम मेरे को दे दो तो मैं बढ़िया तरीके से चला के हटाता। और यहाँ पर क्या है? वेट यहाँ पर तो और भी टूल्स हैं भाई, ये सारे उठा लेता हूँ ना, ये काम आएंगे भाई कॉन्ट्राबैंड ढूंढने में। चलो भाई नेक्स्ट बंदा बुलाओ, आज तो तगड़ी चेकिंग होने वाली है। अपना एक बंदा पकड़ा गया और दूसरा है, दूसरा एक और हो सकता है। ये कोई गैंग का बंदा यार हो सकता है, ये भी कोई कॉन्ट्राबैंड ले जा रहा। और भाई ये क्या गाड़ी लाया? 54 तो नहीं है ना तेरी एज? दिखाइए जरा। कैन आई हैव योर डॉक्यूमेंट्स ब्रो? ला भाई टैब। पहले तो इसका नेम चेक करते हैं, अमन आजाद। ओ गलत है, पहली बात तो रिजेक्ट होने वाला है क्योंकि इसका नेम मिसमैच है, पासपोर्ट नंबर भी मिसमैच है। ठीक है मेरे को ज्यादा कमाई मिलेगी मैं जितनी चीजें गलत ढूंढूंगा इसकी। सब कुछ मिसमैच है भाई, तू तो खत्म है भाई, जिंदगी बेकार है तेरी। फोटो दिखा, फोटो भी मिसमैच है। यस फोटो भी मिसमैच है, नहीं मैच हो रहा भाई तुझसे। अब एक काम कर गाड़ी और चेक करवा दे, आजा बाहर आजा, मजा आ जाएगा भाई। पहले तेरे को मारूंगा नहीं, पहले पूरी गाड़ी चेक होगी उसके बाद तेरी तुड़ाई करेंगे अगर कुछ निकला तो। फिलहाल इतनी बड़ी गाड़ी लेकर जा रहा, पीछे तो इसने कुछ नहीं रखा। आगे बम्पर खोल के देखता हूँ, सॉरी बोनेट खोल के देखता हूँ। अब बोनेट कहाँ है इसका? गाड़ी में अंदर जाकर भी। अबे ये क्या है, गद्दी के नीचे इंजन? यार वैसे कुछ भी नहीं यार इसकी गाड़ी में, यार मजा नहीं आया। कुछ तो ले जाओ भाई। चल छोड़ यार, तू वैसे भी तू रिजेक्ट ही हो रहा है, तू जाके कर ही क्या लेगा? ये ले ये रहा तेरा डॉक्यूमेंट, और निकल यहाँ से वापस चल। ये अकड़ क्यों रहा है भाई तेरे को? तो गलत पासपोर्ट ले जा रहा है, अकड़ रहा है ऊपर से। और मारूंगा अभी, हथौड़ी मार दूंगा गाड़ी पे ऐसे करके। ठीक है चल 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 जल्दी निकल भाई, बड़े गुस्से में गए, शीशा तोड़ दूंगा, निकल यहाँ से। चलो भाई नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट गाड़ी है ग्रीन कलर की। अभी गाइस एक बंदा और है जो ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो मुझे उसे ध्यान से पकड़ना होगा। हेलो सर। ओहो बैठे, ये गड़बड़ लग रहा है मेरे। ले आओ चेकिंग। नेम एकदम करेक्ट है, ये बंदे पे मेरे को ज्यादा शक हो रहा है क्योंकि जो भी बंदा अगर ये सब ट्रांसपोर्ट करना चाहेगा वो अपने डॉक्यूमेंट तो एकदम करेक्ट रखेगा। इसका सब कुछ करेक्ट है, एंट्री रीजन वर्क है। आ जा बेटा बाहर आ जा, गाड़ी चेक होगी। तेरे पे तो बहुत ज्यादा शक हो रहा है, मेरे को एक बार फोटो दिखा, फोटो भी मैच है। ओ हो बहुत डिटेल में है तो। चल भाई गाड़ी होगी चेकिंग शुरू। बी केयरफुल विद दी, एक सेकेंड, अब पहली बार बैठा हूँ मैं गाड़ी में। यार ये तो कुछ भी नहीं ले जा रहा यार, ऐसे कैसे? अबे कुछ तो स्मगल करो यार। अबे इसको तो कुछ भी नहीं है भाई, हटो एक सेकेंड, ये रह गया ना अभी। हाँ यार ये बंदा क्लियर है, मैं खाली पीली चेक कर रहा हूँ। एक सेकेंड, टायर्स भी चेक करने के लिए बोला था भाई, हो सकता है टायर में हो। मेरे पास ये जो पर्पल वाली लाइट है ना, इससे मैं टायर के आर पार चेक कर सकता हूँ थोड़ा। इसमें कुछ नहीं है, ये लास्ट टायर और बचा है, इसमें भी कुछ नहीं हुआ, तो ये बंदा ठीक है। सॉरी सर आप एकदम करेक्ट हो, आप अभी के अभी जाओ। ये लो चलो जाओ, कोई टेंशन नहीं, हमारी तरफ से गलती भी सर। ये मैं सारे दरवाजे बंद कर देता हूँ, और क्या सर्विस दूँ? ये नहीं बंद हो रहा, होगा ये वाला दरवाजा भी बंद कर देता हूँ, अपना दरवाजा हाँ खुद कर ले। चल भाई बाय। ये बंदा एकदम ठीक था भाई, डॉक्यूमेंट्स भी करेक्ट, गाड़ी भी एकदम करेक्ट, बट अब बचा एक ही बंदा और पक्का इसी के पास गड़बड़ है। मेरे को उसके पैसे मिल गए, यानी वो बंदा सही में ठीक था। ये तो सीधा पिटा भाई, सीधा इसको सीधा गाड़ी से ही बाहर निकालते। आ जा बाहर, इसको जेल। ओबे वापस कैसे बंद कर रहा है? बाहर निकल तू, पकड़ेगा भाई, ये डेंजरस लग रहा है। एक सेकंड, मेरे को तो नहीं मार देगा तू? डॉक्यूमेंट दे जरा।
शकल मैच अब ठीक है भाई, शकल तो मैच हुई है मानना पड़ेगा, नाम भी मैच हुआ है, पासपोर्ट भी, भाई सब कुछ एकदम करेक्ट है, बट इस बंदे की ना गाड़ी में कुछ करेक्ट नहीं होगा मैं श्योर हूँ। पहले तू चक्कू खा ले, एक खा ले क्योंकि तू गलत है मुझे पता है, ठीक है। काम शुरू, आगे की डिक्की नहीं, दराज खुली, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, आगे नहीं है पीछे होगा, टायर भी क्लीन है, बोनेट, ओहो बंदा तगड़े तरीके से छुपा के लाया, बोनेट में भी कुछ नहीं दिखा मेरे को, लेफ्ट वाला टायर, ओहो हो मिल गया टायर खोल, रुक जा किससे खुलते टायर, इससे ये ले, खुल टायर, यस अल्कोहल ले जा रहा था, ठीक है ये वाला टायर तो खैर ठीक है, पीछे बस इतना सा ले जा रहा था, पैसे दे रहा है, ओहो तू मेरे को लग ही रहा था तगड़ा बंदा है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो देखो मैं ऐसे चुपचाप से, कोई अगर मेरे को देख नहीं रहा है, देख रहा है अगर, हाँ मतलब कोई देख नहीं रहा होता तो मैं ऐसे चुपचाप से इससे पैसे ले सकता हूँ और इसको जाने दे सकता हूँ, या फिर मैं ईमानदारी दिखा सकता हूँ, क्या करूँ यार, दिखाई अब दे रहा है क्या वैसे, नेवर माइंड, अबे यार कंफ्यूज कैसे कर रहा है, नहीं यार तू चल यार जेल चल, छोड़ तू भी क्या याद रखे इसको ले चलो भाई, अभी जरूरत नहीं है पैसों की, भी अच्छी खासी कमाई हो रही है, नुकसान और भाई दोनों हो गए, ये रहा एक दूसरा ये रहा, चलो बंद करो चल निकल, जो सामान मिला था वो मेरे को रखना है यहाँ पर स्टोरेज में इधर, और अबे क्या मैं कुछ मिला ही नहीं था, मैं उसकी गाड़ी से निकाल के नहीं लाया क्या, अच्छा अल्कोहल थी ना वो, कहाँ पर है वो, अबे तू तो नहीं पी गया, एक सेकंड रुक, वो लेकर जा रहा था मैंने, निकाली भी थी बट गई कहाँ पता नहीं चल रहा, इधर नहीं है इधर भी नहीं है, चलो भाई डे टू भी अपना मस्त हो चुका है, और अभी हम लोग नेक्स्ट तो होगा नहीं, आज की ड्यूटी खत्म हो गई है, सही है लेट्स गो, सोने चलते हैं हम लोग वापस से अपने इस ट्रेलर में, मस्त अपना जगह बना रखे भाई सोने की, एक बार और सोते हैं एक ड्यूटी और करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट डे में कौन कौन देखने को मिलने वाला है, आज के दिन हमने वो कुछ, आज के दिन कोई भी गलत काम नहीं करा, सारे करेक्ट चेक थे, इनकरेक्ट चेक कोई भी नहीं था, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस में तो हमेशा वो पैसा जाएगा ही, चलो भाई मस्त रात बीत चुकी है और हो गया नेक्स्ट डे, और अभी क्या नेक्स्ट डे भी ऐसे मस्त व्यू, बाकी आज हमें थोड़ी सी कमांड्स दोबारा सुननी है, योर टास्क इज टू ट्रांसफर बिजनेस टू द लेबर कैंप एंड डिलीवर इंटरसेप्टेड कॉन्ट्रामैन, ओके ठीक है, आज का अपना काम बस यही है कि जितने भी प्रिजनर्स को हमने, मतलब जितने भी बंदों को हमने पकड़ा था ना, उन सबको मुझे प्रिजन छोड़कर आना है, और जो कॉन्ट्रामैन मुझे मिले थे, अबे एक सेकंड तुम भाग मत जाना, बंद करो बे, हाँ जितने भी कॉन्ट्रामैन मुझे मिले थे वो सारे मेरे को कहीं तो रखवा कर आने, तो अभी मैं इसे अपने बाग में रख लेता हूँ, एंड मैं इसको अपना आराम से बाद में रखवा दूंगा, चलो भाइयों आ जाओ, ट्रांसफर टू पुलिस कार, ट्रांसफर टू पुलिस कार, चलो इसको करा बंद, पुलिस कार अपनी वो जो बस है वही है, फटाफट से चलते हैं हम लोग वहाँ पे, भाई क्या मस्त ड्यूटी यार बॉर्डर पे, अरे तेरी भैंस की दरवाजा इधर के खुल रहा है, चलो गाड़ी कौन चलाने वाला है यार, गाड़ी मेरे को चाहिए, मेरे को नहीं पता, दिस इज वेयर योर पुलिस कार्स आर स्टोर्ड, टॉक टू अ मैकेनिक टू प्रिपेयर द डिजायर्ड व्हीकल और रिपेयर और ठीक है जो भी खराबी है कर से ठीक, बट अभी जरूरत नहीं, अभी गाड़ी ठीक ही है, चलो भाई बैठ गया गाड़ी में, रेडियो बंद करो, अरे बंद करो, गाना सुनते हुए नहीं जाना, आ गए ना वो लोग, ये बैठे दोनों मस्त, गाड़ी कहाँ से स्टार्ट हो गई, वे गाड़ी स्टार्ट करियो भाई, गाड़ी कहाँ से, अच्छा ये रही चाबी, ये तो लाइट की है, वे मैकेनिक भाई गाड़ी चालू कर दो यार, गाड़ी नहीं चालू हो रही है, तो पहले तो मुझे ना यहाँ पर सारी चीजें लाके रखनी है, और ये फायर एक्स यहाँ क्या कर रही है, ये तो मेरे काम की है, तो कॉन्ट्राबैंड मैंने सारा गाड़ी में रखवा दिया, अच्छा पहले गाड़ी में कॉन्ट्राबैंड रखवाना था, ओए चुप चुप, ओ तो ये मैप है, मैं इसके अकॉर्डिंग चलना है, ये है बॉर्डर पोस्ट और मुझे जाना है लेबर कैंप, तो मेरे को यहाँ से गाड़ी सीधी निकाल के बस लेफ्ट लेना है, ठीक है समझ गया रास्ता, ये रहा स्टार्ट इंजन, चलो भाई काम इजी था बहुत, अभी बस वो गाड़ी चलानी है तमीज में, ये रास्ता यही वाला है ना, हाँ एक ही तो जा रहा है राइट को, एक बार मैं मैप चेक कर लूंगा, फिर भी मैं देख सकता हूँ ठीक है ना, सही जा रही है गाड़ी, सही जा रही है, कैश देते हैं भाई अभी बढ़िया है, और इन सबको छोड़कर आते हैं लेबर कैंप पे, और आज का अपना काम हो जाएगा, एक सेकेंड यार बड़े सारे रास्ते हैं, लेफ्ट राइट, वैसे राइट वाला, ओ सॉरी लेफ्ट वाला रास्ता मेरे को कच्चा लग रहा है, तो मैं नहीं जाने वाला उस पर, चुपचाप से लेफ्ट चलते हैं, ओए वेट वेट वेट, अरे अरे भाई भाई तेरी भैंस की कैसे टर्न दे रहा भाई वो बिना हॉर्न के, भाई शहर तो शहर नहीं मतलब ये जगह तो बड़ी मस्त है यार, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, मोटेल बन रहा है भाई इधर एक, फिलहाल मैं ज़्यादा दूर नहीं है वो यहाँ से, सीधे सीधे ही जाना है, इसको ओवरटेक करता हूँ यार, ये गंदा लग रहा है मेरे आगे आगे चलता हुआ, जल्दी 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 हट बे, मैं आगे जाऊँगा, अबे वेट एक सेकेंड, रस्ते में पेड़ गिरा हुआ है, पेड़ अभी गिरेगी, मेरे को दूसरे रास्ते से आना होगा, टेक दी एक्स फ्रॉम दी ट्रंक एंड गेट, ओ समझा 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 समझा, तो अभी इसको गाड़ी को ऑफ करो, मतलब पेड़ को भी आज ही गिरना था ना, निकलो और बस मेरे को पेड़ तोड़ना है, ठीक है भाई
चोर गाड़ी लेकर ना भाग जाए वो। टूट, ओह टूट गया, नाइस। चलो भाई रास्ता खोल दिया तुम्हारे भाई ने, चलो बैठो, दरवाजा बंद, अबे ड्राइविंग सीट पे जा। चलो भाई लेट्स गो, रास्ता वापस से कंटिन्यू। एंड शायद से हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पर हमें इन प्रिजनर्स को छोड़, नहीं 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 पहुंचे, अभी और आगे जाना है। वो जो सामने येलो कलर का मार्क आ रहा है ना, मैं वहां तक पहुंचना है, बस बीच रास्ते में कोई और गड़बड़ ना आ जाए यार। इसमें दिखा रहा है कि यहाँ पर हो सकता है रास्ते में डियर रोड क्रॉस करते हुए दिखे, तो कोई बात नहीं, ठोक देंगे, क्या हो गया। फिलहाल अभी मैं पहुंच चुका हूँ लेबर कैंप तक। ओ तेरी भाई, ये कितनी घटिया गाड़ी है ना, मैं क्या बताऊं भाई। पीछे बेचारे प्रिजनर ऐसे ही मर जाएंगे, कहेंगे भाई ठोक इतनी रही जो बंदा चला रहा है। बड़ा जो भी है, मैं पहुंच गया यहाँ पर, अंदर चलते हैं गाड़ी लेकर मस्त एकदम आराम से ले जाके अभी पार्क कर। अबे भाई कितना अंदर है। हेलो ऑफिसर, मैं लेकर आया हूँ। भाई क्या ऑटोमेटिकली गेट खुलने हैं, मस्त एकदम। चलो भाई गाड़ी यहीं पर रोक देता हूँ, बाहर चलते हैं और इसको बंद करके इससे बात करनी है। रुक जाओ, गन ये डालो, गन ये मतलब। हेलो सर, ओके तो $200 मेरे को मिल गए, मैंने दोनों को ट्रांसपोर्ट कर दिया है। और मेरा नेक्स्ट टारगेट है व्लैड शॉप पे जाना है, मेरे को इधर जाना है। वो जितनी भी चीजें मेरे को मिली थी ना, वो इधर ले आकर हमें बेचनी है भाई। मतलब कुल मिला के हमने पैसा कमाया। गाड़ी आगे से घुमा के लाता हूँ भाई, यूटर्न वूटर्न लेने का समझ नहीं आ रहा, साइड मिरर काम नहीं कर रहे हैं इसमें ढंग से। चलो भाई गेट खोल, गेट खोल फटाफट फटाफट। बहुत ही सही भाई, गाड़ी सही चला रहा हूँ यार मैं, FPV में भी। और गाड़ी तो है नहीं, एकदम बस जैसी है जो भी है। तो मैप के अकॉर्डिंग मैं हूँ यहाँ पर, और जाने के दो रास्ते हैं, वैसे राइट से भी मैं जा सकता हूँ। ओ भाई क्या टनल है पहाड़ों के बीच में, एकदम बढ़िया सी, पूरी एंडलेस है क्या वहीं तक? अरे भाई आराम से, हाँ वहीं तक जा रही है क्या ये अंडरग्राउंड? एक तो ना यार ये जो बस सिंगल लेन रोड होते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है भाई? बकरी ले जा रहा है, खुद भी बकरी है क्या? आराम से ओवरटेक कर रहा हूँ, टक्कर मार रहा है। हाँ मैं यही कह रहा था कि सिंगल लेन रोड पर गाड़ी चलाना बड़ा वो रहता है, सामने से ट्रक आ रहा है। रुक जा मैं राइट ले रहा हूँ, बढ़िया। हाँ मेरे को भी जाना है, बस आगे से लेफ्ट लेना है। भाई ये बंदा बड़ा ढीठ है यार, ओवरटेक नहीं करने दे रहा, अगर इसने लेफ्ट लेना है पिटेगा। चल सही है, राइट गए, बच गया। अभी मैं आ चुका हूँ कच्चे रास्ते पे, बड़े रास्ता, आई होप मेरे को उस जगह पर लेकर चले जाए, क्योंकि मैंने मैप ओपन नहीं करा था, डायरेक्ट मैंने टर्न ले लिया। बट शायद से मैं करेक्ट लोकेशन पर आया हूँ, क्योंकि यही मेरे को शॉप लग रहा है, और यहाँ यहीं पर मार्कर भी आ रहा है ना। ठीक है फिर, चलो भाई ये खड़ी कर दी यहाँ पर अपना मस्त गाड़ी, दरवाजा ओपन, गाड़ी से बाहर एंड यहाँ, और उसकी दुकान में जाकर मुझे उसका सामान बेचना है। हेलो भाई, खरीदेगा ड्रग्स है अपने पास बड़े। अरे भाई ये क्या है? अच्छा ये बेचता है, तो तू गन देना यार, एक $250 की है ना, बट ये गन काम का आएगी? नहीं अभी मत दे भाई, इतना फालतू पैसा नहीं आ रहा। ये क्या आ रहा है ऊपर, क्या आ रहा है लोगो? हाथ हो गया है मैं यहाँ। अच्छा मेरे को ये निकाल कर लाना है क्या अपने से? कोकेन बेचना है बेसिकली हमें, तो मैंने यहाँ से सारा निकाल लिया है। खरीदेगा यार कोकेन, खरीदना ये ले, खरीद ले से। अबे खरीद तो कैसे खरीदेगा ये कोकेन? टास्क क्या है? अरे यार मेरे को ना शायद से कोई टूल खरीदना है यहाँ से, जो कि मैंने उसकी बात नहीं सुनी थी। मुझे ना शायद बस इससे थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है, तो मैं एक काम करता हूँ इससे गन खरीद लेता हूँ, ठीक है? और इसकी एमओ है क्या मेरे पास? ये खरीद लेता हूँ ना थोड़ी से। चल भाई, ओह यही करना था मुझे, बस एक गन खरीदनी थी। और इसमें बुलेट्स कितनी है? 8 है ना, 8 इसमें है और 8 अपने पास एक्स्ट्रा है। ठीक है अभी बंद करो इसे। हाँ मतलब ऐसे यार क्रिमिनल अभी तगड़े तगड़े आ रहे हैं, तो अपने पास वेपन्स भी अच्छे अच्छे होने चाहिए। अपना मस्त काम हो चुका है अभी। अरे वेट, गाड़ी ठोक दी का पीछे मैंने। लेट्स गो, अभी फिलहाल इसी रास्ते से हम लोग फटाफट से वापस चलते हैं उस बॉर्डर पे, क्योंकि कल भी हमें ड्यूटी करनी है। आज का तो पूरा दिन शायद यहीं चला जाएगा अपना, वापस जाने जाने में। वैसे भी ज्यादा देर हुई नहीं है, बट इस गेम के अकॉर्डिंग ना डे बड़े छोटे होते हैं यार। बस मुझे आगे वाले कट से लेफ्ट लेना है। और मैप गेम का बहुत क्रेजी है यार, सब कुछ है यहाँ पर, सिमेट्री भी इतनी बड़ी बना रखी है। हाँ मतलब एकदम ऐसे पहाड़ों पे मस्त एक घना जंगल है, जिसके बीच में एक गांव बसा हुआ है। मतलब हाँ ऐसा गांव तो दिखा नहीं, बट थोड़े बहुत ऐसी अलग अलग लोकेशंस है, मतलब मिलिट्री वाली ज्यादा चीजें मेरे को इधर नजर आ रही है वैसे। डन, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे बेस तक बिना ठुके। बट अबे शीशे टूट रहे हैं क्या? मैं जिस हिसाब से गाड़ी चला रहा हूँ, शायद से मैं बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ के लाया हूँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। बट एक सेकेंड, ये क्या है? आ गया क्या मैं पुलिस बेस पे? यस, मुझे शायद से वो जो कोकेन वगैरह ना वो यहाँ रखवाना है। ऑलराइट, हेलो सर, अंदर जाने का? यस, वो कोकेन यहाँ पे रखवाना है, मैं उस दुकान वाले को बेचने चला गया। अबे यार जी, कोकेन आप रखो। अरे ऊपर कहाँ से हूँ मैं? अच्छा यहाँ सीढ़ी है, रुक जाओ ये वेपन हटा लो पहले। अरे ये एक और तगड़ा सो रहे, चक्कू मार दूं यूं करके। ट्रांसफर ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओ भाई $84 हमें इससे मिल गए, ठीक है हमने अपना काम कर दिया आज। चलो 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 गाड़ी चलाओ भाई, धीरे धीरे तो शाम होते जा रही है। बाकी अपना काम मैंने कर दिया, एंड शायद से अभी मेरे को वापस से उस बॉर्डर पे जाना है। अभी हम पुलिस बेस पे आए थे भाई, जो भी हो बहुत बड़ा बेस बना रखा है यार इन्होंने, दरवाजा भी टाइम पे खोल देते हैं बंदे। बाकी हाँ अब अपना एकदम नेक्स्ट लोकेशन है
बॉर्डर, तो फटाफट से पहुंचते हैं, एकदम सीधा सीधा जाना है बंदों को ऐसे ओवरटेक करते हुए। A few inches later. Okay, तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं बॉर्डर पोस्ट पे। मुझे अपनी गाड़ी को बस यहाँ पर एकदम तमीज में पार्क करना है, जैसे कि इन्होंने पार्क। यार एक तो इसमें दिखता क्यों नहीं है पीछे का, और ठुकेगी मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ओ भाई का पार्क कर देगा मैंने, बढ़िया भाई, हल्की सी ठुकी है बट फिर भी क्या मस्त पार्क करी है मैंने लाकर। यार दरवाजा करा बंद सर, इसको रिपेयर कर देना यार अपना। ये क्या है, अजर वीजीजी, कर दे। ओ अच्छा, इसने ढंग से पार्क कर दी शायद से गाड़ी ठीक वीक करके। बट हाँ अपना काम आज का हो चुका है और मैं जा रहा हूँ सोने भाई, आज का डे ज्यादा लंबा लगा मेरे को बाकी दिन की ड्यूटी से। गुड नाइट। तो चलो गाइस फिलहाल आज के सारे वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो यार वीडियो को जाके लाइक करना। इस वीडियो पर एम करते हैं 5 लाख लाइक का, तो जाओ फटाफट से लाइक गोल कंप्लीट कर दो। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। और मैं इस गेम प्ले सीरीज को कंटिन्यू करने वाला हूं, क्योंकि अभी हमें जैसे हमने गन्स ली उसके बाद भी बहुत सारे वेपन्स थे SMG वगैरह, तो शायद से उस हिसाब के क्रिमिनल्स भी अभी आगे आने वाले हैं जो हमारे ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। तो गेम धीरे धीरे और क्रेजी होने वाला है, तो काफी मजा आने वाला है उसमें। तो आप लोग को ये गेम कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में जाके बताना। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।